नमस्कार दोस्तों, लर्न पालम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड की दृष्टि से विसर्ग संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और उसमें पढ़ने वाले हैं आज हम विसर्ग से शे शे शे। विसर्ग से शे 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 का मतलब हुआ विसर्ग के स्थान पर शे शे से हो जाता है। कब हो जाता है ये देखेंगे साथियों। यहां पर लिख रहा हूं विसर्ग, ठीक है। विसर्ग के बाद में यदि चे हो, छे हो, चे या छे हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है। विसर्ग के बाद में यदि चे और छे हो तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है, ठीक है। जैसे लिख रहा हूं साथियों बाले है, ये विसर्ग आ गई और फिर लिख रहे हैं चलती चलती, बाले है चलती, ये हमारी संधि है। अब देखिए विसर्ग के बाद में चे है तो इस विसर्ग के स्थान पर हम स्वर रहित से लिखेंगे, स्वर रहित से लिखेंगे, हमारी संधि क्या होगी बालस चलती, ये हमारी संधि होगी बालस चलती। नेक्स्ट संधि और देखिए नी विसर्ग धन छल, नी विसर्ग धन छल है, तो विसर्ग के बाद में छह है, विसर्ग के बाद में छह है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा शे, विसर्ग के स्थान पर शे हो जाएगा तो संधि क्या होगी हमारी निश्चल है, निश्चल है, इस प्रकार से संधि निश्चल हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे हरी धन चलती, हरी धन चलती, तो विसर्ग के बाद में क्या है चे है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा शे, विसर्ग के स्थान पर शे होगा तो हमारी संधि क्या होगी हरीश चलती, हमारी संधि होगी हरीश चलती, ठीक है। जैसे ये तो हमने संधि विच्छेद से संधि युक्त पद बनाया, मान लीजिए हमारे पास में ये शब्द आ गया इसका संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, रूल वही लागू होगा। देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ शे, जब इस शे को हटाएंगे तो शे के स्थान पर क्या लिखेंगे विसर्ग लिखेंगे साथियों, ये विसर्ग धन छल। कैसे जानेंगे इस स्वर रहित शे के बाद में चे और छे हो, स्वर रहित शे के बाद में चे और छे हो तो इस शे के स्थान पर विसर्ग कर देंगे, तो इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे। दूसरे प्रकार की संधि देखें, दूसरी संधि है विसर्ग के बाद में यदि ते और थे हो, ते और थे हो, ते हो या थे हो कोई सा भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है, स्वर रहित से हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। कैसे जैसे इत है धन तत है, इत है धन तत है तो इस विसर्ग के बाद में साथियों क्या है तय है तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे शे करेंगे, शे करेंगे, हमारी संधि क्या होगी इस विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित से लिखेंगे तो क्या होगी संधि हमारी इतस्तत है, ये हमारी संधि होगी इतस्तत है। नेक्स्ट है जैसे विष्णु धन त्राता, ये शब्द है विष्णु धन त्राता, विसर्ग के बाद में क्या है त्रय है, आप कहेंगे कि यहां पर तय और
फिर नहीं है त्रय है, तो त्रय का निर्माण किससे हुआ साथियों? त्रय का निर्माण त्रय धन ऋ से हुआ। तो पहले कौन सा वर्ण प्राप्त हुआ हमें? त्रय प्राप्त हुआ। त्रय का निर्माण किससे हुआ? त्रय धन ऋ से त्रय का निर्माण हुआ। तो पहले क्या प्राप्त हुआ हमें? त्रय। तो इस त्रय में त्रय भी विद्यमान है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर से होगा, विसर्ग के स्थान पर से होगा। तो हमारी संधि क्या होगी? विष्णुस्त्राता। हमारी संधि प्राप्त होगी हमें विष्णुस्त्राता। नेक्स्ट है देवः तिष्ठति। देवः तिष्ठति ये संधि है। विसर्ग के बाद में क्या है? तय। तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? शे, स्वर रहित से। तो संदिग्ध पद क्या बनेगा? देवस तिष्ठति। देवस तिष्ठति ये संधियुक्त पद बनेगा। अब साथियों मान लीजिए हमारे पास में ऐसा शब्द हमें प्राप्त हुआ, हमें कहा गया कि संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करते समय हम देखेंगे कि जो स्वर रहित स है इसके बाद में तय थे है, तय और थे है। तो इस स्वर रहित स के स्थान पर हम विसर्ग कर देंगे। कैसे? इस प्रकार से विष्णु और स के स्थान पर विसर्ग और लिखेंगे त्राता। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे। नेक्स्ट इसका तीसरा भाग और देखिए। तीसरा भाग है विसर्ग के बाद में यदि टे ठे हो तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता। विसर्ग के बाद में टे ठे हो तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है। कैसे जानते हैं? जैसे धनु बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, धन टंकार है, ऐसा उदाहरण अधिकांश पूछ लिया जाता है। धनु धन टंकार है, ठीक है। अब देखिए विसर्ग के बाद में टे है, विसर्ग के बाद में टे है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? शे। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? शे। तो हमारी संधि युक्त पद क्या बनेगा? धनुष टंकार है। धनुष टंकार है ये संधि युक्त पद बनेगा। नेक्स्ट जैसे राम है धन टीकते, ये शब्द प्राप्त हुआ में संधि विच्छेद। विसर्ग के बाद में टे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो, किसका आगम होगा? शे का आगम होगा। तो हमारी संधि क्या होगी? रामस टीकते। हमें संधि प्राप्त होगी रामस टीकते, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट उदाहरण इसका और है एक बहुत ही अच्छा, जैसे श्याम ठकुर है, श्याम ठकुर है, तो विसर्ग के बाद में क्या है? ठे। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? से करेंगे। तो हमारी संधियुक्त पद क्या प्राप्त होगा हमें? श्यामस ठकुर है। संधियुक्त पद प्राप्त होगा श्यामस ठकुर है। इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। और मान लीजिए हमारे पास में संधि युक्त पद ये प्राप्त हुआ, इसका संधि विच्छेद हमें करना है, तो क्या करेंगे? देखिए शय है, स्वर रहित होगा, इसके बाद में टे ठे होगा, तो इसके स्थान पर, इस शय के स्थान पर क्या करेंगे हम? विसर्ग करेंगे। राम है धन टीकते, इस प्रकार से संधि विच्छेद कर देंगे साथियों। तो साथियों कोई भी उदाहरण इस रूल के आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।